दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम इस शॉल के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। देखते हैं ये कैसे बनी है और इसका साइज और डिज़ाइन क्या है। बेहद सिंपल और आसान डिज़ाइन का है, लेकिन ये बहुत पहनने में सुंदर दिखाई देता है, अच्छा डिज़ाइन लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डिफ़िकल्ट डिज़ाइन होता है वही अच्छे लगते हैं। सुंदर आसान डिज़ाइन में भी अगर आप सफाई से बनाएं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो 66 इंच है, 65-66 इंच लंबाई होगा इसकी, और बाकी तो आपकी चॉइस है। थोड़ा तो पहन के लंबा बढ़ता भी है और आप जितना रखना चाहें बाकी तो। और इसकी 22 इंच चौड़ाई है, 22 इंच चौड़ाई हो गई है। ये बनाने के बाद में एक हाफ डबल क्रोशिया से इसकी किनारी बनाई गई है। ये वाली छोटी सी किनारी जो है ये बस हाफ डबल क्रोशिया से है। और अगर इसकी ये जो ये हम लाइनें जाती हैं, अगर हम लाइन की बात करें तो ये 124 लाइन का बुना है, लेकिन 124 में किसी का ये छोटा भी हो सकता है अगर टाइट हाथ है, और किसी का ये बड़ा भी हो सकता है अगर ढीला हाथ है। तो इसलिए 124 का भी कोई बात नहीं है, जस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया आपको वो। तो आइए अब ये हम डिज़ाइन डालकर देखते हैं कैसे ये पड़ा है डिज़ाइन। देखिए ये मैंने डबल ऊन से चेन बना रखी है, और साइड में आप जितना भी चाहें आप उतने, 3 चेन ले ली मैंने साइड का डबल क्रोशिया मान के, और ये अभी मैं फ़िलहाल 4 डबल क्रोशिया मैं साइड में लेने वाली हूँ, और 4 ही ये, जैसे ये 4 डबल क्रोशिया लिए गए हैं ना, तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया की एक स्ट्रेट पट्टी जानी है और ये घूमता हुआ जाएगा थोड़ा। तो अगर आप मफलर बनाना चाहते हैं इस डिज़ाइन का तो ये 4 की जगह आप 3 ले सकते हैं, तो वो थोड़ा डिज़ाइन छोटा हो जाता है। और ये तो 4 ही रखेंगे, तो इस तरह से मफलर में ऐसे कर सकते हैं, शॉल में ऐसे करने वाले हैं। तो देखिए ये साइड में हमने 4 बनाने हैं डबल क्रोशिया, डीसी या चावल, ये 4 हो गए। उसके बाद हम एक चेन लेंगे, और जहाँ एक 2 चेन छोड़कर, बस उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। उसके बाद हम एक ही जगह पर एक ही चेन में से 4 बार डबल क्रोशिया, या जिसको हम चावल कहते हैं, 4 हमको वो बनाने हैं। उसके बाद एक चेन लेनी है, और फिर हमको जो हमारी सीधी पट्टी जाने वाली है, 4 डबल क्रोशिया की जो सीधी पट्टी जाने वाली है, उसके ये हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इन 4 के बाद फिर से एक चेन लेंगे, और फिर 2 चेन छोड़कर हम तीसरी चेन में फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया कर रहे हैं। 4 डबल क्रोशिया तो हम एक ही जगह पर कर रहे हैं, और 4 डबल क्रोशिया, एक चेन लेकर 4 डबल क्रोशिया हम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये दूरी का माप का थोड़ा सा आँखों का भी इस्तेमाल करके, थोड़ा सा अंदाज करके वो हम कर लेते हैं। तो अभी ये हमने, जैसे 2 हमारे फूल हो गए हैं, तो अब हम इतने में ही बनाते हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो। ये तो आप जानते हैं और देख लीजिए, वीडियो जो है क्रोशिया कैसे सीखें वगैरह में हमने बताया है कि इसको हम उधेड़ लेते हैं और उधर हम आगे घटा देते हैं। 3 चेन ली हमने, फिर हम मुड़ गए, और जो ये हमारे साइड के, अच्छा यहाँ पर अभी 4 हमको करना है, ये दोनों साइड में हम 4 ले रहे हैं ना, तो ये हमने 4 कर लिए। तो फिर हम ये मुड़ गए 3 चेन लेकर, और इसके पहले वाले के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, और अगले 3 के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो थोड़ा आप लोग हमारे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को। ये 4 हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, एक चेन बनानी है, और जो ये पहला वाला है, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमको 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले चावल के ऊपर 4 बार चावल बनाने हैं, 4 चावल बनाए, फिर से एक चेन ली, और जो हमारी ये सीधी पट्टी जाएगी, उस सीधी पट्टी में जहाँ की हमने अलग अलग दूर दूर बनाए हैं 4 चावल, वहाँ पर हम ये 4 चावल बनाएंगे, दूर दूर हो गए हैं। उसके बाद फिर से एक चेन लेंगे,
और जो ये इकट्ठे थे हमारे, जो ये क्लस्टर है हमारा, क्लस्टर में हम एक ही में से, पहले वाले में से ही हम चार, ये हमने चार डबल क्रोशिया एक ही जगह पर बना दिए, फिर एक चेन ली, और फिर जो ये हमारे अलग लाइन है हमारी स्केल जैसी, ये एक लाइन जाएगी हमारी, सीधी पट्टी जाएगी, उस सीधी पट्टी में हम ये चार चावल अलग से बना रहे हैं। तो डिज़ाइन बस इतना ही है ये कि ये हम साइड से मुड़े और हमने ये साइड में चार के ऊपर चार करा। और अब तो आपको ये डिज़ाइन जो बीच की चीज़ है, जो हमारे टेढ़े टेढ़े से फूल से हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बस एक चेन लेकर और ये जो हमारा ये है, इसमें जो पहला वाला है, बस यही हम करते हुए जाएंगे। तो ये हमारा ये टेढ़ा टेढ़ा होता जाता है और ये वाली पट्टी हमारी सीधी चलती जाएगी और ये सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आप देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डिज़ाइन क्या है। बेहद आसान डिज़ाइन है ये, तो आप लोग ट्राई करिए। स्कार्फ में भी डाल सकते हैं, मफलर में भी डाल सकते हैं और शॉल में भी डाल सकते हैं। और ये जो किनारी है, इस किनारी के लिए तो एक ये भी होता है कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मानिए, एक तो ये है कि हम डबल ऊन भी लगा सकते हैं कभी कभी, उसमें भी अच्छा लुक आ जाता है। और अगर डबल ऊन नहीं लगानी है, सिंगल ऊन से ही करना है, तो भी हम इसको हाफ डबल क्रोशिया कर दीजिए, ऊन लपेटिए और यहाँ जाइए, निकालिए और एक साथ बंद कर दीजिए, ऊन लपेटिए, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाता है और ये अच्छी लगने लगती है ये किनारे भी। बाकी आपकी मर्जी है, थोड़ा सा आप देखकर समझकर बनाइए, अच्छा सा आपका शॉल, मफलर, स्टोल बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।